औरन की होली मम होला कहो कृपा निद बचन अमोला। खालसाई जाहो जलाल दे प्रतीक होले महले दा आज दूसरा दिन है। समुचे देश भर तो वड्डी तादाद दे विच सिख संगता इस महान आनंदां दी पुरी पहुंच रहियां हन ते जाहो जलाल दे प्रतीक इस होले महल्ले दे विच तरह तरह के लंगर जिहड़े ने ओह खिच दा केंद्र बनते हैं। इस वक्त असी न्यांग सिंघां दे पड़ा विखे मौजूद हाँ जिथे इस होले महल्ले दे मौके ते लखां दी तादाद दे देश विदेश दे विचों संगतां पहुंचदियां हन। उत्थे ही न्यांग सिंघां वल्लों तरह तरह के करतब दिखाए जांदे हन ते खास तौर ते इस होले महल्ले दे विच विशेष खिच दा केंद्र रहिंदी है न्यांग सिंघां वल्लों तैयार कीती जांदी शहीदी देग। सो अज दी इस खास पेशकश दे विच असी तुहानूं दसांगे कि न्यांग सिंघां वल्लों तैयार कीती जांदी इस जो शहीदी देग है इसकी की परंपरा है की इतिहास है ते कित्थों इन्हें अंग सिंघां दे विच आई। जथेदार बाबा चन्नन सिंह जी साडे नाल मौजूद ने। बाबा जी वेख सकते हैं शहीदी बाग दे इस स्थान ते असीं मौजूद हां ते हर साल वड्डी गिणती दे विच संगतां जिस तरह शहीदी देगां छकण दे लई इत्थे मौजूद हुंदियां ने। इस शहीदी देग दा इतिहासिक पछोकड़ जिहड़ा उह तुहाडे तों जानना चाहांगे। इह जिहड़ा दसवें पातशाह दे आनंदपुर साहिब किले सी ना थल्लै च बच्चा बणिया मट्टियां बड़ियां मारे दियां उह मारे ते रगड़े लाउंदे रहे आ। ये काली मिर्च निक्की इलाची खास खास गिरी ये पैंदी है ये पी के माइया भाइया बीबिया ने छकाई दी है। सुखा जड़ा वा वो जिन्हें छकना अड अड बना दीता गा। हाँ जी बाबा जी परंपरा कदों शुरू हुई केड़े गुरु साहब तो ये जी परंपरा निहंग सिंघां दे विच प्रचलित हुई भी जी शहीदी देग दी परंपरा की गल की जाए। ये शहीदी तो गुरु दसवें पातशाह तो हुई है लाते गुरु पातशाह भी रहे देगा अर्ग पातशाह छकते रहे शहीदी देगा रगड़ा लाते रहे पर दसवें पातशाह ने इतने मर्यादा जी शुरू जाती की है और बच्चा बने अंदर मट्टियां बनी अंदर अंदर रगड़े लगते रहे। हाँ जी देख सकते हैं वड्डा एक इत्थे कड़ाया मौजूद है। एक दिन दे विच होले महल्ले दे विच जिहड़े तीन दिन इत्थे किन्ने दिन जिहड़े तीन दिन देगां चलदियां ने किन्नी कु संगत जिहड़ी है ओह आउंदी है ते आम दिनां दे विच किन्ने कु जिहड़ा इस ते जिहड़ा जाहो जलाल जिहड़ा मिलदा है इत्थे निहंग सिंघां दे विच। सत बोरियां पैंदियां कोना कड़ाए च खाण दियां ते दिहाड़ी तीन कड़ाए खोरी दे आ भरी दे तीन 21 बोरियां खाण दियां पैंदियां इक कड़ाए दे विच ते तीन दिन तीन कड़ाए भरी दे दिहाड़ी च। हाँ जी पंज सनेहरे चलन डे रगड़े लाए आ तीन चाली दे चलन डे आ अठ सात सनेहरे चलते रगड़ांगे तो फिर बनू तो रगड़ के बन नहीं सकती। दिखाओगे माड़ा जी की ये जो खसखस बदाम गिरी जो पैंदे माड़े दर्शन करवाओगे कैमरे के माध्यम ने। जी 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 तो वेख सकते हो तस्वीर इस महान निहंग सिंह के अस्थान शहीदी बाग दी असीं तुहानूं दिखा रहे हैं जिथे निहंग सिंह वालों शहीदी रगड़े जिहड़े तैयार किए जा रहे हैं हर साल इस आनंदपुर साहब की पावन धरती से जिथे लखां की तादाद च संगतां पहुंचदियां ने संगत की आमद नूं मुख रखदियां तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के लंगर लगाए जाते हैं। उत्थे ही संगतां की खिच रहिंदी है इत्थे देगां छकण दे लई भी जरूर आउंदियां ने ते दर्शन दिदारे जिथे निहंग सिंह फौजां दे करदियां ने उन्हां दे सरूप दे करदियां ने जाहो जलाल दे नाल अपने आप नूं इत्थों सरशार करके जांदियां हन। उत्थे गुरद्वारा शहीदी बाग भी जिहड़ा निहंग सिंघां दी छाउणी है इत्थे भी जिहड़े निहंग सिंघां दे लौकिक रंग ने वह वेख्या ही बनते हैं। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं शहीदी बाग तो जिथे निहंग सिंह शरदाई रगड़ रहे हैं ते नाल नाल इसकी इतिहासक परंपरा तो भी कितना कितने तुहानूं असीं जरूर जिहड़ा वह जाणू करवा रहे हैं। बाबा चन्नन सिंह जी जिहड़े ने बाबा चन्नन सिंह जी सानू जिहड़ा वह सारा दिखा रहे हैं कि बाबा जी की इस दे विच जिहड़ा माड़ा जिहा सानू दस्सो की काली मिर्च निक्की इलाची ते गिरी तीन चीजें सुख निधान की जी वखरा पाई दा गा वो पाई दा मसाला पा के वखरा विच पाई दा गा मसाला पा के रहो जी इन्ना लोग पा के ओह रगड़ी दा फिर। हाँ जी निहंग सिंघां वल्लों जो तैयार की जाती है शहीदी देग उसकी इतिहासक विधि ते पुरातन परंपरा के बारे असीं तुहानूं जाणू करवा रहे सी। होले महल्ले दे रंग इस समय सिखर ते ने कल तो होले महल्ले दा आगाज़ होया अज दूसरा दिन है ते कल जो समाप्ति होवेगी सब तो अहम दृश्य जिहड़े ने निहंग सिंघां वल्लों महल्ले दे दौरान जो जंगजू करतब दिखाए जांदे हन गुरु पातशाह वल्लों चली आ रही पुरातन परंपरा दे अनुसार कल चरण गंगा स्टेडियम विखे जाके निहंग सिंघां दे दल आपस दे विच जो उन्हां दे जिद्दां दसम पातशाह मुकाबले करवाउंदे सन उसे तरह कल मुकाबले होणगे घोड़ दौड़ां होणगियां जंगजू करतब कितना कितने देश विदेश दे विच हर गुरु नानक नाम लेवा जिथे जिथे सिख वसदा है उसकी ये मनोकामना तमन्ना रहिंदी है कि इस धरती ते आके अपना अकीदा गुरु चरणां दे विच भेंट कीता जावे। सो इस सारे होले महल्ले दे रंग एबीपी सांझे दे माध्यम राहीं तुहानूं तक पहुंचाउंदे रहांगे कैमरा